नमस्कार, स्वागत है आपका SN7 न्यूज़ में। और आपको बता दें, बागपत से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बागपत के गांव चंदायन में SN7 की टीम पहुंची और वहां पर आपको बता दें कवरेज की किस तरह से, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को आदेश दिए हैं कि गांव में मास्क वितरण करें और सैनिटाइज़र वितरण करें। और आपको बता दें साफ सफाई का काम जो है गाँव में वो जारी रहे, किसी भी तरह से गांव में गंदगी ना हो, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहा है उसको रोकने के लिए ये निर्देश हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को दिए हैं। तो इसी के चलते SN7 की टीम आज पहुंची बागपत के चंदायन गाँव में। और आपको बता दें वहाँ पर जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं मोहर सिंह, उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य यहाँ पर किया है। उन्होंने पूरे गांव को सैनिटाइज़ कराया है, लगभग 10 से 12 दिन में वो एक बार सैनिटाइज़ करा देते हैं गांव को। और पूरे गांव में उन्होंने मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं और लोगों को हल्के बुखार के लिए उन्होंने दवाइयाँ भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है इस संक्रमण को रोकने के लिए। और आपको बता दें इस गांव में कोई भी कोरोना का केस अभी तक नहीं मिला है। गांव के लोगों के अनुसार एक केस था जो घर में आइसोलेट होकर वो अब ठीक है। इसके अलावा ना तो यहां कोई कोरोना से मौत हुई है और ना ही कोई ज़्यादा केसेस यहां पर गांव के अंदर बढ़े हैं। छोटा गांव है लेकिन उसके आधार पर भी ग्राम प्रधान मोहर सिंह ने अपना जो कर्तव्य है वह पूरा निभाया है और अभी स्टार्टिंग से ही उन्होंने गाँव में काम करना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बागपत के एक गांव में पहुंचे हैं, छोटा सा गांव है, लगभग 1200 के आसपास यहां पर वोटिंग है और चंदायन गांव का नाम है जी। और यहां पर नवनिर्वाचित प्रधान जी हमारे साथ बैठे हैं, मोहर सिंह। तो हम अब पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई प्रधान जी को यहां पर जो जीते हैं हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से। और आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर गाँव के लोगों के लिए प्रधान जी यहां पर मास्क सैनिटाइज और साफ सफाई काम यहां पर वो कर रहे हैं, हम सीधा उनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। प्रधान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत धन्यवाद है। आपको जी साल के लिए अभी आप मुखिया हैं पूरे गांव के। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करता हूं और शासन प्रशासन का अभिनंदन करता हूं। मैं अपने गांव में पूरी लगन से साफ सफाई का कार्य कर रहा हूँ और सैनिटाइजिंग भी करवा रहा हूँ, मास्क भी बांट रहा हूँ, दवाई भी बांट रहा हूँ और गांव के लोगों को ये भी हिदायत दे रहा हूँ कि सब अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर बाजारों में ना जावे और अपना जो है उतना ही काम रखे जितने में काम चलता हो। और मैं गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और जनता ने जिस विश्वास से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं सोचता हूँ कि उनका एहसान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे से कोई ऐसी भी गलती ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, अगर हो भी जावे तो मैं अपने गाँव की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद ऐसी कोई गलती ना हो। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कतें साफ सफाई की और रास्तों की है। रास्तों में हमने पहले ही काम शुरू कर रखा है, आपने देखा भी हो सड़क पर गए, तो पैसा तो सरकार देगी ही, पैसा ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं देती, जब काम करवाऊँगी तो पैसा भी देगी। तो सरकार का बहुत बहुत शुक्र है, इतना पैसा विकास करने के लिए गांव में दे रही है, अगर नीयत ठीक हो प्रधानों की, अच्छा विकास करने में और गांव को जितनी भी सुविधा मिल सके उतनी डायरेक्ट करो जो मुख्यमंत्री के यहाँ से हो रही है। क्योंकि हम लोग कुछ जैसे कहीं आते नहीं जाते नहीं, तो जो घोषणा हो रही ऊपर से जब तक यहाँ पता नहीं लगता जब तक वे बंद हो जाती है। अगर हम सीधे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जुड़ के रहेंगे तो हमें पता लगेगा सारी सुविधा क्या मिल रहा, क्या चल रहा, क्या लाभ मिल रहा सरकार तक गरीबों के लिए, क्या पेंशन मिल रही है, क्या विधवाओं को सहायता मिल रही है। हम उस पर पूरी नज़र रखते हुए अपने गांव को पूरी सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं और शासन से भी हम उम्मीद करते हैं हमारी मदद करी जा कहीं अगर ऐसी हो, ये मेरा कहना है। और आप लोगों का और गांव का धन्यवाद करता हूं। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस की पकड़ जो है बढ़ती जा रही है, तो आपके यहाँ पर कोई केसेस मिले हैं, कितने यहाँ पर मरीज है, मिले हैं कोई? हमारे यहाँ पे कोरोना के मामले में मैं 2 तारीख से परमानेंट 2 टाइम अपने गांव में घूम रहा हूँ। अगर किसी को बुखार भी है तो उसके पास 4 बार जाता हूँ, उसके पास पैसा ना हो, उसे कोई दिक्कत हो, उसे कहीं जाने के लिए सुविधा ना हो,
तो उसे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों को हमें पूरी मदद भी मिल रही है, हमारे गांव में कोई कोरोना का केस भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी परेशानी है, सब सुरक्षित है, बढ़िया है। हमने मास्क भी बांटे, दवाई भी बांटी, मास्क भी बांट लिए और हम करवा रहे हैं अभी 10 तारीख के आसपास एक बार सैनिटाइजिंग और करवा लूँगा उन्हें। जी हाँ, क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। गांव सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो सारी जनता भी सुरक्षित रहेगी। देखो पैसा कुछ लोग ये सोच रहे हैं भाई कहीं खर्च ना हो जा, उस पैसे का मान लिया हम 100 रुपये खर्च करके गांव में कोई मदद कर रहे हैं तो उसका हम 1000 का लाभ भी मिल सके। तो लगातार जो है मतलब गांव छोटा ही है लेकिन फिर भी आप लगातार पूरे गांव पर नज़र बनाए हुए हैं। पूरे गांव पर नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी गांव में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यानी कि सब तरह से ठीक चल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल है। तो आपकी शपथ भी हो गई है? जी हाँ। और कितने वोट से आप जीते? 213। तो यहाँ पर आपने देखा मोहर सिंह जो प्रधान हैं उनका बयान आ चुका है कि उन्होंने, आपको बता दूं, उन्होंने गांव में मास्क भी बांट दिए हैं, सैनिटाइज भी बांटे हैं सैनिटाइज़र, और गांव को इन्होंने सैनिटाइज भी यहाँ पर करा दिया। 10 दिन में ये कराते रहते हैं। अब फिर दोबारा से बता रहे हैं कि 10 तारीख को फिर से यहाँ पर सैनिटाइज गाँव को किया जाएगा। और आपको बता दें साफ सफाई का जो काम है वो लगातार गाँव के अंदर जारी है, कोई भी कोरोना केस यहाँ पर नहीं मिला, जो एक मिला था वो यहाँ पर ठीक हो चुका है, घर पर ही आइसोलेट हुआ है वो, तो वो यहाँ पर ठीक भी हो चुका है। फिलहाल की स्थिति चंदायन गांव की जो है बिल्कुल सही चल रही है और यहाँ पर पूरी तरह से जो ग्राम प्रधान है उन्होंने अपना यहाँ पर पदभार संभाल लिया है और वो विकास कार्यों में जुट गए हैं। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आईएसएन 7 न्यूज़।